आज कानूनी जंग न्यूज की टीम बनियापुर प्रखंड के हरपुर पंचायत में मुखिया जी के पास पहुंची है, जिसमें हमारे संवाददाता शिवशंकर जी ने मुखिया प्रतिनिधि से विकास सौंदर्यीकरण नल जल समस्याओं के विषय में बात की, जिसमें मुखिया प्रतिनिधि ने अपने किए गए कार्यों का वीडियो प्रस्तुति किया और शिक्षा और स्वास्थ्य उदासीनता को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया। देखिए आप इस वीडियो में। आज कानूनी जंग न्यूज की टीम बनियापुर प्रखंड के हरपुर पंचायत में आ पहुंची है। हरपुर पंचायत के मुखिया जी के प्रतिनिधि से आइए आपका परिचय कराते हैं और इन्हीं से पंचायत के विकास के संबंध में बातचीत करते हैं, क्या क्या विकास किए हैं और क्या क्या करने वाले हैं। तो नमस्कार मुखिया जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं विनय कुमार सिंह हरपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बोल रहा हूँ। अच्छा सर, आप अपने पंचायत में अभी तक जो है नल जल योजना बहुत पहले हुआ है, बनकर तैयार हुआ है, बहुत जगह खराब भी है, बढ़िया भी है, आपके पंचायत में नल जल योजना की क्या स्थिति है? मेरे पंचायत में नल जल योजना की स्थिति सब ठीक है। 11 वार्ड है, 11 वार्ड में नल जल चल रहा है। 1 वार्ड में थोड़ा मोड़ा गड़बड़ है जो कि ठीक कराया जा रहा है जी, और सभी वार्ड में चल रहा है। यानी कि नल जल योजना सफल है आपके वार्ड में? हाँ, मेरे पंचायत में तो सफल है जी। एक वार्ड का गड़बड़ है जिसमें कार्ड चल रहा है, 2-3 दिन में भी शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, ये 15वीं योजना के अंतर्गत आपने कौन कौन से कार्ड कराया है? 15वीं योजना के अंतर्गत सबसे पहले मैंने एक PCC 9 नंबर वार्ड में करवाया है, जो 5 से 6 सब फीट का आसपास का है जी। उसके बाद एक चौतरा का काम करवाया है जी, 7 नंबर वार्ड में है जी, जो कि बहुत दिनों से जब भी मैं कभी कभी जाता था तो हर नेता लोग से मांगते हुए सुना था कि पंचायतवासी का मांग पहले से था कि यहाँ एक चौतरा बनवाया जाए जी, जो कि सबसे पहले मैंने उसी स्थान से काम शुरू किया जी। वो काम लगभग कम्प्लीट है, PCC का काम कम्प्लीट है एक, और कुआ का भी काम हम करवाए हैं 15वीं योजना से, नाला का काम जी। 1 से 3 नंबर वार्ड का कम्प्लीट, लगभग 1500 फीट नाला की लंबाई हम लोग काम करवाए हैं जी। उसमें कुछ सिस्टम का भी काम हो रहा है। सर, ये 6ठी योजना के अंतर्गत आपने कौन कौन सा कार्य कराया है? 6ठी योजना के अंतर्गत मैंने नल जल का जो जितना खराब था जी, मरम्मती कराया है सबको। उसके बाद मैं एक सोलिंग भी करवाया है, कुआं का भी मरम्मती भी कराए हैं, कुआं का भी काम करवाए हैं जी। और एक PCC का काम होने वाला है, अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ, नाला बन रहा है उसके बगल में करवाना है इसलिए अभी। अच्छा सर, ये बताइए मनरेगा के अंतर्गत आपने कौन कौन से कार्य कराया है? मनरेगा के अंतर्गत हमने हर वार्ड में लगभग 10 नंबर वार्ड में 2-3 रोड का काम करवाया जी। एक रोड है जो कि नदी घाट पर जाती है, उसका रोड का काम मिट्टी का रोड बनाया है, स्कूल का हमने मिट्टीकरण हुआ है। एक पुनारा जो हाई स्कूल है इसका भी मिट्टीकरण प्रांगण का हुआ है, वहाँ एक सड़क मेन सड़क है, स्कूल पर जाने का सड़क नहीं था, इसका भी मिट्टीकरण हो गया, मिट्टीकरण और सीधी बात है, इसका भी कार्य होगा। अच्छा सर, स्वच्छ भारत लोहिया अभियान के तहत क्या क्या कार्य करा? लोहिया अभियान के तहत मेरे पंचायत में अपनी 135 आदमी का शौचालय का गया है, यहाँ से फोटो पर चढ़ाया गया है, जिसमें जियो टाइप का लगभग 10-15 आदमी का हुआ है, लगभग 15 आदमी का हो गया जियो टाइप हुआ है। उसके बाद पेमेंट हुआ है शौचालय का, बाकी सब लाइन में है, बाकी सब लाइन में है। अच्छा सर, ये PM आवास योजना के अंतर्गत आपके अंतर्गत कितना भवन का निर्माण हो गया है और पेमेंट हो गया है पंचायत में? जब हम लोग जीते थे जी, इसमें से 14 आदमी का पेमेंट हुआ है, जो कि बेहद गरीब है, अच्छा सर, इसमें जो PM आवास है, बहुत जनता बता रही है कि मुखिया जी लोगों के द्वारा 2000-4000 ऐसे कुछ कमीशन लिया जा रहा है, आपके पंचायत में इस संबंध में आप क्या बोल रहे हैं? हमारे पंचायत में आम सभा में भी ये किया, कोई आदमी किसी भी आदमी को
पीएम आवास योजना एक भी पैसा किसी को जी नहीं देना नहीं लगता है। अगर कोई और देता है तो मतलब देखिए हम लोग के तरफ से पंचायत से आम सभा में ये पूछना है किसी को देना नहीं। वैसे हम लोग तो बहुत पंचायत में घूम के आ रहे हैं लेकिन सभी जगह लोग बोलते हैं हम लोगों से कि 5,000-10,000 मतलब कि पीएम आवास योजना का 20-25,000 हो गया है पहले से, लेकिन आपके पंचायत में तो ऐसे सुनने के लिए हम लोगों को नहीं मिला है और आप भी बता रहे हैं तो अच्छा ही है। नहीं नहीं एकदम अनाउंस है कि किसी को देना नहीं है, सब किसी को बनवाना है जी। और ये बन भी रहा है जी। विधवा पेंशन विकलांग पेंशन के संबंध में क्या बताएंगे आपके पंचायत में क्या स्थिति है? जितने लोग विधवा भी है और विकलांग वगैरह है चाहे लक्ष्मीबाई है लक्ष्मीबाई है चाहे मान जी जी उनका पूरा जिसका अच्छा सर ये बताइए आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है और है तो किस स्थिति में? ठीक से आप इसको कवरेज कीजिएगा जी। उप स्वास्थ्य में हमारे पंचायत में है जी वहाँ एक दो डीसी जी है उनकी अपना सरकार के नाम से जोड़ने के नाम से उसका फोन इतना जर्जर स्थिति में है कि बैठने के लायक नहीं हुआ तो बगल के रूम में बैठती है बहुत स्थिति। अच्छा सर ये भवन नहीं है उसके संबंध में आप लोग सरकार से कुछ डिमांड किया है या करना चाहेंगे? पी जी सी भी कहे थे उसके बाद ऐसे संसद महोदय से भी हो पाए जर जर मनुष्य है वो बैठने लायक तो अगर संभव हो तो आप जी। हरपुर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बहुत ही जर्जर स्थिति में है, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की बहुत आवश्यकता है। सरकार से निवेदन है कि कृपया इस पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान दें और यहाँ की बिल्डिंग को सही ढंग से मरम्मत कराएं। इसमें बात यह है कि इस स्वास्थ्य केंद्र चलाने के लिए सरकार ये सरकार की कमी है, कमी है। आप लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, सरकार तो सुन रही नहीं रही है। डबल इंजन का सरकार है अभी देख ही रहे हैं हो गया लेकिन फिर भी तो वही चल रहा है अभी। आप सरकार कितने दिन टिक रही है देखिए। सर आंगनबाड़ी की स्थिति आपके पंचायत में क्या है? मेरे आंगनबाड़ी पंचायत में 6 आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी में सब एक आंगनबाड़ी सरकारी आंगनबाड़ी सभी प्राइवेट में जाएंगे। स्थिति क्या है? पढ़ाई लिखाई या पढ़ाई लिखाई की चलता है जो व्यवस्था है मिलता सब व्यवस्था सही है मिलता है। और ये आपके पंचायत में मिडिल स्कूल हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल इस सब की स्थिति क्या है? देखिए मेरे पंचायत में लगभग एक दो प्राइमरी किस मामले में आप बेहद खराब बता रहे हैं? बिल्डिंग के मामले में या पढ़ाई के मामले में? बिल्डिंग तो है, बिल्डिंग